हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल स्टडी अबाउट द एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। व्हेन द सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब एक्ट्स, व्हेन द सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब एक्ट्स, द वर्ब इज सेड टू बी इन एक्टिव वॉइस। व्हेन द ऑब्जेक्ट ऑफ द एक्टिव वॉइस, व्हेन द ऑब्जेक्ट ऑफ द एक्टिव वॉइस बिकम्स द सब्जेक्ट, द वर्ब इज सेड टू बी इन पैसिव वॉइस। पॉइंट वन, आई टीच यू इंग्लिश। नाउ वी चेंज दिस सेंटेंस इन पैसिव वॉइस। सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाते हैं, इसलिए यहां पे आया यू। जब हम एक्टिव का पैसिव बनाते हैं, प्रेजेंट टेंस में इन एमआर का यूज करते हैं। यू के साथ इसका यूज करेंगे आर। यू आर टीच, पास्ट पार्टिसिपल आएगा यहां पर, मिस थर्ड फॉर्म आएगी बोलती। यू आर टॉट इंग्लिश, रिमेनिंग ऑब्जेक्ट। Then, ऑब्जेक्ट बनाने से पहले हम किसका यूज करते हैं, वाई का। यहाँ पे क्या हमने रख दिया, वाई। जो मैंने आई का क्या कर दिया, ऑब्जेक्ट बना दिया मी। नेक्स्ट पॉइंट, रोहन डज नॉट ईट द फूड। इसमें आपको देखना है ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट आपका है द फूड, इसीलिए हम ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाएंगे। The food, according the food, we use the helping verb is, not, then, third form of the verb, eaten, नया ऑब्जेक्ट बनाने से पहले किसका यूज करेंगे, वाई का, वाई रोहन। नेक्स्ट पॉइंट, Does he cook the dinner? ये सेंटेंस आपका कैसा है, इंटरोगेटिव सेंटेंस है, इसलिए हम इसमें सबसे पहले किसका यूज करेंगे, वर्ब का, हेल्पिंग वर्ब का, किसके अकॉर्डिंग, जो हम नया सब्जेक्ट बनाएंगे। यहाँ डिनर आपका क्या है, ऑब्जेक्ट है, इसको हमें क्या बनाना है, सब्जेक्ट बनाना है, इसके अकॉर्डिंग हमें क्या यूज करना है, हेल्पिंग वर्ब का, इज द डिनर, इज द डिनर। इसमें आपका नया सब्जेक्ट बन गया, हेल्पिंग वर्ब आ गई, अब क्या आना चाहिए, वर्ब, कौन फॉर्म आएगी वर्ब की, थर्ड फॉर्म। इज द डिनर कुक्ड बाई हिम, जब हम नया ऑब्जेक्ट बनाएंगे उससे पहले किसका यूज करेंगे, बाई का, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। थैंक यू स्टूडेंट्स।